गाइस कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो इसने मेरे को एक ये जो लड़की है इसने एक्सपीरियंस शेयर किया एक, और तुम्हारे पास हो गए दो एक्सपीरियंस शेयर्स। तो यार अभी फटाफट से इसके अंदर वाले जितने भी बंदे हैं उनसे बात कर लेते हैं। आई ट्रेन में पोकेमॉन डे बी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, हाँ ये तो पता है। लर्न पोकेमॉन सीक्रेट जस्ट गुड फ्रेंड्स हो गए, हाँ। अरे यार इसके अंदर है ना भाग नहीं सकते हम लोग फटफट। हाँ द पोकेमॉन यू यूज इन द बैटल शुड बी हील्ड वंस ऑफ द पोकेमॉन सेंटर इन द जेरी। हाँ बाबा, और यहाँ पे एक प्लेन है उसके लिए हमें टिकट की ज़रूरत लगेगी। यू मस्ट हैव अ टिकट टू ट्रैवल द प्लेन, लेट्स गो। अभी अंदर भी पूछताछ करते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। द स्मॉल एयरपोर्ट ऑफ ब्रैम्बोच टाउन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रैवल क्विकली। काश ये लोग टिकट दे दें। बग कैचिंग बॉयज डाउन, ओके काश ये लोग टिकट दे देते यार। आई लाइक टू वॉच पोकेमॉन टूर्नामेंट्स ऑन टीवी, ओके दैट्स गुड। इससे बात करते हैं, अरे हाँ इससे तो हो गया, ओके इससे हो गया। इन अंकल से आएंगे, से अंकल सोए हुए हैं, हाँ देखा ये सोए हुए हैं। इससे बात करते हैं। बेबोस्टन इज अ वेरी काम विलेज एंड अ स्मॉल एयरपोर्ट लैंडिंग, ओके एयरप्लेन लैंडिंग के लिए है। लेट्स सी ये लोग क्या बोलते हैं। द स्मॉल एयरपोर्ट ऑन द ब्रम्बोस्टन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रैवल क्विकली, ओके। लाइफ इज वेरी गुड एंड कंट्री साइड बिकॉज एवरीथिंग इज काम हियर, और रियली ऐसी जगह पे रहना इम्पोर्टेंट। देर आर ओनली अ फ्यू ट्रेनर्स इन द वर्ल्ड हु हैव द एबिलिटी टू ट्रेन पोकेमॉन पावरफुल। यू लुक लाइक अ गुड ट्रेनर सो आई एम विलिंग टू गिव यू अ स्ट्रांग पोकेमॉन, रियली ओ माय गॉड व्हाट द हेक। यस मैं लूंगा यार लार्वेटार, ऑब्वियसली लूंगा, सॉरी बट यू हैव नो, ओके 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 वी विल कम टू टेक लार्विटार, ओके ओके गाइस। तो हमें एक लार्विटार मिल रहा है अभी, तो हम ओके वन डिपॉजिट करने जा रहे हैं, लार्विटार लेंगे। बट आई डोंट थिंक सो यार, मुझे ट्रैनेटार भी चाहिए यार। लेट्स सी गाइस, हेराक्रॉस को रख देते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली गाइस, कोई टेंशन नहीं फटाफट पहुँच जाएंगे। लार्विटार दे दो भाई, फ्यू ट्रेनर्स एंड फोर्स पावरफुल एंड इट्स लार्विटार। पता चला अगर मैं वापस आया और रिसीव द लार्विटार, कितने लेवल का लार्विटार है वैसे। लार्विट पोकेमॉन डेट फाइन बिकॉज Only appears in a few people, okay. Level 10 का है, okay. Let's check. Okay, नहीं summary check करना था. So guys, तो मैं एक काम देता हूँ, मुझे comment section में बताओ इस वाले video के कि मैं मेरी same team के साथ continue करूँ या Tyranitar या टेरानेटार को यूज़ करूँ। टेरानेटार बोल रहा हूँ, मतलब देख सकते हो ना यार, मतलब अभी मेरे को लार्विटार मिला बट हेराक्रॉस भी अपने पास ही है। सो लेट्स सी, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या मुझे लार्विटार को यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। सो गाइस तो यहाँ पे तो बात हो गई इससे। अ पोकेमॉन यू यूज इन द बैटल शुड बी हील्ड इन वन सेल, हाँ हमें ये पता है मेरे को। Let's go ahead. इससे कुछ पूछ ले, हाँ ये हील वाला ही बोल रहा है। ये कैसे आ गया अचानक में, फिशिंग इज द एरिया सीम, ओके। तो कुछ लोग बोल रहे थे यार कि ओल्ड रॉड को इस्तेमाल करके तू ये कर सकता है, क्या बोलते उसको, गैराडोस पकड़ सकता है। तो हाँ मेरे को पता था, मेरे को पता है कि पकड़ सकते हैं बट
एकदम से गैरेडोस पकड़ सकते, ये नहीं पता था। ओके व्हाई डिड आई डू दैट, लेट अस सी गाइस। अरे मैं बिना हील के ही आगे जा रहा था, बट लेट्स सी। मैं अभी यहाँ पे रॉड मार के देख रहा हूँ एक बार, पोकेमोन नहीं मारना यार। वाह वाह क्या किया मैंने अभी। यूस लेट्स सी नॉट अ निबल, ओके कुछ नहीं। लेट्स सी हमें इधर जाना चाहिए थोड़ा बीच में। यूज द ओल्ड रॉड, 1 2 3 ओ गॉट अवे। अच्छा मतलब बाइट किया पर भाग गया। ओह बाइट गॉट अवे। अरे पता नहीं यार, मतलब आई गेस रॉड मतलब कम स्ट्रांग पड़ रही है। सो डोंट वरी, तो आ गया पोकेमॉन सेंटर, हील करवा रहे थे हॉस्पिटल में। बच्चे पोकेमॉन सेंटर में यार तो फास्ट नहीं दौड़ा सकता। और हाँ जी आ गाइस, मैंने पोकेमॉन्स को थोड़ा सा ट्रेनिंग वा दिया है, ट्रेनिंग वा दिया मैंने, थोड़ा सा ट्रेन किया गाइस मैंने पोकेमॉन्स को। तो तुम लोग देख सकते हो जोरुआ 28 हो गया, मतलब जोरुआ को ही ट्रेन किया है मैंने और किसी को ट्रेन नहीं किया। ग्रोवाइल को भी करना है यार, डॉनफैन लगभग इन लोग के लेवल पे आ रहा है, हेराग्रॉस को भी लाना है तो हम करेंगे अभी। लेट्स सी मोस्ट ऑफ आज के वीडियो में जोरुआ को इवॉल्व करने में देखेंगे। लेट्स फाइंड अ फर्स्ट बैटल स्पिनारा के वॉल्यूम टू विन फॉर श्योर। ओके हरियाडोस स्पोरिंग, ओके लेट्स सी। तो जोरुआ जो है वो लेवल 30 पे जाके इवॉल्व होता है जोरॉक में, आई गेस आई प्रोनाउंस इट राइट। हाँ तो अभी मेरे पास 2 एक्सपीरियंस शेयर्स है तो मैं 2 पोकेमॉन्स पे लगा सकता हूँ। तो अभी मैं उसको बाद में ग्रोवाइल पे लगाऊंगा एक एक्सपीरियंस शेयर। ओके 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 अरे परसवाइट फिर से नहीं यूज़ करना था। ओके नाइट शेड, ओके मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट क्लिक करता हूँ यार। 687 ओके लेट्स सी। फिलहाल तो किसी पर एक्सपीरियंस शेयर लगाने का मन नहीं कर रहा, बट ये अंकल से भी बात कर लेते हैं। फिशिंग एट द सी इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड। ओके सो ब्यूजल, तो यहाँ पे ब्यूजल मैं ब्यूजल बोलता हूँ तो ब्यूजल बहुत स्पॉन हो रहे हैं यार। क्या पॉलीवैग, जस्ट इमेजिन यार गाइस कि अगर ये देखो ऐसे बीच में से फूल एकदम शाइनी पॉलीवैग स्पॉन हो गया। फाउंड अल्ट्रा बॉल, लेट्स सी यस हेडबट, अंडा आया, कुछ नहीं मारे, कुछ नहीं रहेगा पेड़ में, नहीं कुछ नहीं। सो ये है रूट नंबर, ओके तो यहाँ से जाने के, हाँ फिर भी हुआ। तो ये गेम का एक चीज़ बहुत अच्छा है कि हम किसी ट्रेनर्स को बता ऐसे मिनफू, वाओ मिनफू अच्छा है, मिनफू फेंट अटैक ओके इम्प्रेसिव स्विफ्ट स्ट्रॉन्ग है मिनफो, मिस हो गया मिनफो का। ओके फ्लैफी जिस मैं चेंज करूँगा, मैं ग्रोवाइल को ले रहा हूँ, वैसे भी इसको एक्सपीरियंस मिलने वाला ही है तो ग्रोवाइल को रखेंगे आगे क्योंकि ग्रोवाइल को हमने ट्रेन नहीं किया है। कट बहुत क्रिटिकल हिट था बट पैरालाइज हो गया। थंडर शॉक नॉट दैट मच ऑफ डैमेज, क्विक अटैक अरे हाँ अरे परसवाइट कर सकते ना फिर। थंडर शॉक पैरालाइज कर रहा है यार इसको, मतलब पैरालाइज्ड है
टैकल टैकल का यूज हो जाए यार। ओके डन डन। ग्रोवाइल 300 300 मिला। ग्लूम यूज करें, हाँ चेंज करूँगा मैं डॉन फैन में। कम बैक डॉन फैन। तो यार पिछले जो ये था उसमें ये नहीं था, क्या बोलते उसको, ओह डॉन फैन इज वो वे पावरफुल अवर। तो भाई लोग अगर कोई कमेंट सेक्शन में बोला ना डॉन फैन को चेंज कर दे। जोरो आर लेवल 29 नाइट शेड। लेट्स सी नाइट शेड कैसा मूव है। नोप मेरे को नहीं सिखाने का। तो डॉन फैन एक्सपी मिला। ड्रिफ्लिम तो टेक डाउन तो काम नहीं करेगा। हमें इसे जलाना पड़ेगा। जी हाँ ड्रिफ्लिम को। अच्छा ड्रिलबर्ग है, मैंने ड्रिफ्लिम अरे यार तो फिर एम्बर का इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अरे ये डिग कर लिया यार डग होल। अटैक मिस्ड, अब वो बाहर आएगा। ओके डिग का बहुत डिग हा डिग DIG डिग। एम्बर चल खत्म करो। ओके रोल आउट अच्छा होता है इस पे। देन ऑल्सो सॉरी आई डिसअपॉइंटेड यू। ओके बच्ची व्हेन आई वॉज एट एम्प्टी रश आई फाउंड अ स्ट्रेंज टूथ आई थिंक इट बिलोंग्स टू ड्रैगन आई विल गिव इट टू यू। ओके ड्रैगन फैंग। यो ड्रैगन फैंग मस्त यार, ड्रैगन फैंग दे दिया। तो अगर ड्रैगन टाइप TM04 काम माइंड। ओके 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 तो ये आई गेस ये स्क्वाडल है क्या। ओके तो आई गेस यहाँ पे बैटल में घुसना पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं बैक से हाइपर पोशंस है उन्हें यूज़ करूँगा। पोकेमॉन्स को रीजनरेट करने के लिए हेल्थ, और इसकी भी, और इसको फुल हील करके इसका पैरालाइज मिटाना है। तो देखो आज का वीडियो का एम तो है हमें आगे बढ़ना है। दूसरा एम है ये बीच है क्या, डर लग रहा है फिशरमैन। ऑर्डर रिवाइव। ओके नाइस यार। लेट्स सी आई लाइक टू विजिट द बीच बिकॉज इट्स नाइस टू सी ऑल द पोकेमॉन एंजॉयिंग द वाटर। ओके तो ये एक बीच है, लेट्स गो। तो यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके बैटल अ ट्रेनर अ होल गेट रेडी टू रिजल्ट। ओके मेरे को लगा उसकी मम्मी है। ओह माय गॉड वूपा। ओके मेरे को जोर हुआ को मतलब ऐसे इवॉल्व होना ही है आज कुछ भी करके। आज के पूरे एपिसोड में फेंटेड नहीं क्योंकि यार ये बहुत अच्छा पोकेमोन है यार, सच्ची बता रहा हूँ। अरे वाटर गन, ये बहुत अच्छा हो गया मैंने वाटर गन। फिर से मेरे पास हाइपर पोशंस ज़्यादा नहीं है, और इस गेम की एक बड़ी प्रॉब्लम है यार, इसमें इसमें नॉर्मल पोशंस मिलते नहीं हैं और नॉर्मल पोकेबॉल्स नहीं मिलते यार। ओके पर्सवाइड यूज़ किया, मैं फेंट अटैक इस्तेमाल करेगा। ओके वेरी गुड 450 XP। तो अबाउट टू इवॉल्व लावेटा लैंटर्न। ओके अबाउट टू इवॉल्व और एक दो बैटल। ओके लैंटन मेक्स इट हार्डर। ओके शिफ्टिंग 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 टू इलेक्टबस इलेक्टबस। बट लैंटन भी तो एक इलेक्ट्रिक टाइप है ना, वाटर प्लस इलेक्ट्रिक टाइप। क्या हुआ इलेक्ट्रोबस ठंडा। इस ठंडा पंच फुल एंड रिस्टोर एचपी।
अबे यूज हो जाए लैंटस वोल्ट एब्जॉर्ब में। ओके मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ यार, लैंटन एब्जॉर्ब कर रहा है हेडबट मार यार, हेडबट फील हेडबट। ओके हेडबट रिस्टोर इट्स एचपी। ओके लैंटन थंडर अटैक से रिस्टोर कर रहा था मेरे फिर से मार। ओके उसे दो। सो ये बैटल करेगा नहीं करेगा पता नहीं यार, आई गेस नहीं करेगा क्योंकि इसको डॉजिंग का है। यस नहीं करेगा। आई लव लिविंग बाय द सी एवरी डे, आई कैन टेक अ स्विम। ओके सो ये भी नहीं, ऐसे मोटे लोग तो नहीं करते। द बीच इज ग्रेट प्लेस टू ट्रेन इलेक्ट्रिक पोकेमॉन बिकॉज दे हैव एन एडवांटेज ओवर वाटर। ओके यस आई नो। ओ मतलब ऐसे पानी पे चल के वाओ। अरे हाँ सबसे पहले एक दो दो ही हाइपर पोशंस बच चुके हैं तो मैं जोरुआ को दूंगा। टुडे माय फ्रेंड्स माय पोकेमोन एंड आई आर मेकिंग सैंड कैसल। ओके सो मुझे बैटल लेना ही पड़ेगा एज आई नो। I'll beat you at any cost. I have the power of the sea. Okay, आ जा। ऐसे बोल रहे जैसे कायोगर लेके आ रहा है। Spear. Oh lol, lol. ये इसकी power of the sea है। Spearo. Really bro? Spearo तेरी power of the sea. मतलब कुछ भी हाँ मतलब कुछ भी क्या स्पॉइंग नहीं। Yes guys, moment of the moment is here. Zorua is gonna evolve इसके बाद। हाँ अरे अरे यार इसकी तो दो हिट्स लगे हेडबिट। चल इनफ अमाउंट ऑफ यप मोमेंट ऑफ ट्रूथ आएगी अभी कि Zorua इवॉल्व होगा कि नहीं। मूव डिलीट वन मूव। ओके टॉरेंट टॉर्मेंट नहीं आई डोंट वांट टू टीच टॉर्मेंट आई नीड स्ट्रॉन्ग मूव्स। अरे नहीं चिकाना टॉर्मेंट यस। ओके ब्यूजल नो मैं नहीं चेंज करेगा मैं ब्यूजल को भी ऐसे ही हराएगा फेंट अटैक से। व्हाट अ गन मरा फेंट अटैक। ओके सो हियर इज आवर मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मैं इसे थोड़ा सा पॉजिंग मार रहा हूँ। प्लेयर डिफीटेड कूल ट्रेनर कह रही हूँ। आई डिसअपॉइंटेड द पावर ऑफ द सी वन। ओके 1248 रुपीज पोके कॉइंस। ओके व्हाट Zorua इज इवॉल्विंग यो इट्स इवॉल्विंग गाइस एंड वी हैव आवर बैड बॉय and here it is yeah there is yeah congratulations your Zorua evolved to Zorark is trying to learn torment. Okay can't learn torment was foremost to make sure to torment nahi torment nahi sikhana yaar yes didn't learn torment थैंक यू टुडे माई फ्रेंड। अच्छा ये भाई प्लीज हाँ अच्छा अ लिटिल सनशाइन इज अ ग्रेट। ओके सो ये क्या है ऊपर घूम रहे हैं तो मैं पीछे से जा सकता हूँ। ओके सो हाँ एक चीज़ करना था मेरा एक्सपीरियंस शेयर डेट। ओके अरे हाँ ऐसे नहीं देते ना यार। हाँ सबसे पहले एक्सपीरियंस शेयर इसमें से निकालो टेक और यहाँ पे आइटम गिव एक्सपीरियंस शेयर। ओके
मेरे को एक टाइम पे लगा था ना ये स्क्वर्टल है। क्रॉगन क्रॉगन क्रॉ क्रॉ। आई एम लुकिंग फॉर एन एक्वेटिक पोकेमोन। ओके लुक कर फिर देखते रहे। भूषण फाउंड एस्केप रोप। ओ एस्केप रोप आइटम्स पॉकेट। भाई साहब बीच खत्म होने आ लगता है। द आर्ट ऑफ द फिशिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। यू हैव टू बी रेडी व्हेन अ पोकेमोन सडनली लेफ्ट। ओके तो यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं मुझे नहीं। अच्छा ओके थोड़े ओके ठीक है ठीक है। सो तुम्हें लग रहा होगा मैं बहुत सारे ट्रेनर्स मिस कर रहा हूँ। सो यहाँ पे इस पोके बॉल को लेने के लिए लेट्स सी। आई फाउंड अ TM18 फूड एंड टीम गेस। तो TM18 क्या है? TM18 है रेन डांस। ओके सो रेन डांस इज क्वाइट गुड क्वाइट बैड आई डोंट नो वाई बैड। ये आई लव लिविंग। ओके हाँ ये नहीं बैटल करेगी पक्का। सीएमओ सिटी इज अप अहेड। दे थर्ड जिम रेड जिम इज देयर। ओके हाँ वो तो पता है मेरे को। एंड आर वी हियर आर वी हियर और स्टिल नॉट हियर देयर। हेड बट यस हेड बट जरूर हेड बट नथिंग केम फूलिंग अस। एंड आई हैव हियर्ड इमारी आइलैंड के ब्लू एंड रेड ऑर्ब ऑन व्हेन यू यूज द ब्लू एंड रेड ऑर्ब ऑन इट वी दे वेक अप लेजेंडरी पोकेमोन। अरे हाँ गा लेट्स सी यहाँ पे कौन से पोकेमोन स्पॉन होते हैं। व्यूजल ही स्पॉन हो रहा है यहाँ पे। लेट्स गो। ओके लुक एट दैट बैडस ज़ेरॉर्क ज़ेरॉर्क। मैं इसको निकाल लेने वाला इसको डॉल्फिन को। एंड वी आर इन सीनपोर्ट सिटी। ट्रेनिंग में पोकेमोन इज रिगार्डिंग नाउ। तो सीनपोर्ट सिटी में भी तो एक सीन चल रहा है। हाँ लेट्स सी लेट अस सी। ओके ओके गाइस वी आर इन द सीनपोर्ट सिटी। ओके तो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और सुपर सैयन ब्लू वेजिटा खड़े हैं। कमेंट सेक्शन में बताना। तो यार फिलहाल तो मैं यहाँ पे जाके पोकेमोन को हील कर रहा हूँ ताकि मैं पोकेस्टॉप को रजिस्टर करूँ ताकि जब मैं फ्लाई इस्तेमाल करूँगा तो मैं यूज़ कर पाऊँगा। ओके ये ट्रेनिंग अलॉट। यप गाइस तो ये क्या है? हेलो भूषण माय नेम इज स्टीवन आई एम फ्रॉम द होएन रीजन। एक्चुअली आई एम इन करंट होएन लीग चैम्पियन। एश टोल्ड मी अबाउट यू वी कुड यूज योर हेल्प। ओके हाय आई एम लुकस द लीडर ऑफ द सीनपोर्ट सिटी। ओके जिम स्टीवन एंड आई वी आर वेटिंग फॉर यू सो दैट वी कुड ट्रैवल टू द जिप Zeppelin and Imarilin Island. Ash says you have got skill and we have many battles ahead of us. Steven Bushan. It looks like Team Shim is trying to rose to powerful legendary Pokemon from their slumber with the blue and red orb. Marina and Terra, the two Team Shim leaders, will be there, so the battle will surely be difficult. Steven, do you want to come? Yes. All right, let's go. Okay. मुझे खर्चा पानी भी उठाने नहीं मिला मैं। So guys, मैं आज का वीडियो यही एंड करूँगा। फिर कल देखेंगे कल के वीडियो में कि हमें क्या करना है।
इधर इस आइलैंड पे, तो आई गेस हमें ब्लू और रेड ऑर्क को बचाना है और कायगर और ग्रुडोन को भी बचाना है इन लोगों से। तो लेट्स सी, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सायोनारा, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, बेल आइकन को भी दबाना, और जो बेल आइकन को दबाओगे यार उसके ऊपर ऑल नोटिफिकेशन करके रखना ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन तुम लोगों को पता चल पाए। तो होप यू गाइस मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो और एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सायोनारा, ओके।